हैं, द न्यू सोल्यूशन सोल्यूशन इज यूज ऑफ लॉक एंड टर्न वेरिएबल। यूज ऑफ लॉक एंड टर्न वेरिएबल। लॉक एंड टर्न वेरिएबल का क्या मतलब है कि अभी अभी हमने देखा कि P0 ने बैटन दे दिया P1 को कि क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करो, लेकिन P1 ने मना कर दिया कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन नहीं करना क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो जब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मुझसे क्यों फोर्स किया जा रहा है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करूं? जब मैं इंटरेस्टेड हूंगा तो बता दूंगा आपको, आप मुझे क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन अलाउ कर देना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट वेरिएबल का यूज किया जा रहा है इस सोल्यूशन। तो देखिए हमने क्या किया, एक सिंपल सा एरे लिया, बाइनरी एरे, और उस बाइनरी एरे का नाम है इंटरेस्ट। दो साइज का एरे है, ठीक है, टू साइज का ये एरे है, और इसमें दो वैल्यूज हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, क्योंकि बाइनरी है ना। तो इनिशियली हमने ये कह दिया कि फॉल्स फॉल्स, दोनों इंटरेस्टेड नहीं। जिस भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना होगा वो अपने वैल्यू को अपडेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोसेस नंबर जीरो को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना होगा तो हम कहेंगे इंटरेस्ट जीरो इज इक्वल ट्रू, और अगर प्रोसेस नंबर वन को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना होगा तो वह कहेगा इंटरेस्ट वन इज इक्वल टू ट्रू, है ना। तो ये डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट है कि अगर पहला प्रोसेस जीरो नंबर प्रोसेस इंटरेस्टेड है तो वो ट्रू सेट कर देगा, वन नंबर प्रोसेस इंटरेस्टेड है तो वो ट्रू कर देगा, ठीक है। अच्छा जरा इस नीचे एक टेबल बनी है उसको ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए इस टेबल में ये सेकंड लाइन को देख रहा हूँ, सेकंड लाइन ये कह रहा है कि अगर I0 ट्रू है, मतलब इंटरेस्टेड जीरो ट्रू है, और इंटरेस्टेड वन फॉल्स है, तो निश्चित रूप से P0 प्रोसेस की क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री होगी। लाइन नंबर टू क्या, लाइन नंबर थ्री क्या कह रहा है, इंटरेस्ट वन ट्रू है लेकिन इंटरेस्ट जीरो फॉल्स है, तो निश्चित रूप से एंट्री किसकी होगी, P1 प्रोसेस की एंट्री होगी, जिसने अपना इंटरेस्ट ट्रू शो किया। अगर दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, फॉल्स फॉल्स है, तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं करेगा। फोर्थ लाइन हमारा ये बता रहा है इफ इंटरेस्ट जीरो इज इक्वल टू फॉल्स एंड इंटरेस्ट वन इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब दोनों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई भी क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। नाउ फाइनली पहली लाइन को देखिए, पहली लाइन ये कह रहा है कि अगर I0 ट्रू है और I1 भी ट्रू है, दोनों इंटरेस्टेड है, तो दोनों इंटरेस्टेड है तो दोनों को तो एक साथ हम क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री अलाउ नहीं कर सकते। तो वहां पे कंफ्लिक्ट आएगा कि हम P0 को अलाउ करें कि P1 को अलाउ करें, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट आएगा कि हम P0 को अलाउ करेंगे क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन या P1 को अलाउ करेंगे, ठीक है। लेट्स सी इसका सोल्यूशन क्या है। ये देखिए सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में हम क्या कह रहे हैं कि P0 प्रोसेस नॉन क्रिटिकल सेक्शन अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद फिर चूंकि इस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन करना है इसलिए ये इंटरेस्ट वेरिएबल को जीरो कर देगा, माने इंटरेस्ट जीरो को ट्रू सेट कर देगा। फिर से समझिए मेरी बात को, जिस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है वो अपना इंटरेस्ट शो करेगा ना, तो इसीलिए इसने इंटरेस्ट जो एरे है दो साइज का उसमें जीरो वाली एंट्री या जीरो इंडेक्स वाली एंट्री को ट्रू कर दिया। इसका मतलब है कि P0 ने ये बताया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ क्रिटिकल सेक्शन। अब चूंकि ये क्रिटिकल सेक्शन में इंटरेस्टेड है तो इसने चेक किया कि दूसरा प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में इंटरेस्टेड तो नहीं है। अगर दूसरा प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में इंटरेस्टेड है तो हम वेट करेंगे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट वन इज इक्वल टू ट्रू है तो हम वेट करेंगे, हम मौका दे रहे हैं कि इंटरेस्ट वन मतलब कि जो प्रोसेस नंबर वन है वो कंप्लीट कर ले अपने क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन। अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट वन इक्वल टू फॉल्स हो गया, फॉल्स होने का मतलब क्या है कि पहला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट कर चुका है, वो इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, तो हमने क्या किया क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन किया CS, ठीक है। सेमी कॉलन के जस्ट नीचे CS का मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन हुआ, किसके लिए P0 प्रोसेस के लिए। P0 प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश कर देगा तो वो अपने इंटरेस्ट को फॉल्स कर देगा। ऑब्वियसली बात है ना कि भाई एक बार इसने एग्जीक्यूशन कर लिया अब इसको इंटरेस्ट फॉल्स भी करना पड़ेगा ताकि हम दूसरे प्रोसेस को मौका दे सकें। सेम यहाँ पे है P1 प्रोसेस के लिए, क्योंकि P1 प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है इसलिए इंटरेस्ट वन इक्वल टू ट्रू हो गया, ठीक है। फिर
जब तक इंटरेस्ट जीरो ट्रू है, मतलब सेकंड प्रोसेस, पहला वाला जो प्रोसेस है P0 प्रोसेस, उसका इंटरेस्ट जब तक ट्रू है तब तक हम क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं करेंगे। और जैसे हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट जीरो फॉल्स है, हम क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएंगे। और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन जब फिनिश हो जाएगा तो इंटरेस्ट वन इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर चुका है, अब अपने इंटरेस्ट को इसने फॉल्स कर दिया ताकि दूसरे को मौका मिले क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने का। तो यहाँ पे जिस भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है वो अपने इंटरेस्ट वेरिएबल को ट्रू सेट करेगा, ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट करते समय उस इंटरेस्ट को फॉल्स कर देगा। तो दो एडिशनल लाइन जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है यहाँ पे वो यही है। मैं इसको टिक मार्क भी कर दे रहा हूँ, इनसर्कल कर दे रहा हूँ सारे एनोटेशन हटाने के बाद। P0 प्रोसेस को अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है तो वो अपने इंटरेस्ट को ट्रू सेट करेगा, और जब वो क्रिटिकल सेक्शन को फ्री करेगा तो अपने इंटरेस्ट को फॉल्स कर देगा। सिमिलर इज द कंडीशन विद द P1 प्रोसेस। इफ द P1 प्रोसेस इज इंटरेस्टेड इन एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन, ये अपने इंटरेस्ट वेरिएबल को ट्रू सेट करेगा, और क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करते समय अपने इंटरेस्ट वेरिएबल को फॉल्स कर देगा। ठीक है, मैंने एनसर्कल करके आपको बता दिया कि इंटरेस्ट माने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने से पहले इंटरेस्ट को ट्रू सेट किया जाएगा और एग्जिट करते समय अपने ही इंटरेस्ट को फॉल्स कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इसमें दो में से एक ही प्रोसेस एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन। अगर इंटरेस्ट वन ट्रू है तो प्रोसेस नंबर जीरो सॉरी इंटरेस्ट जीरो अगर ट्रू है तो प्रोसेस नंबर जीरो एंटर करेगा, और इंटरेस्ट वन अगर ट्रू है तो प्रोसेस नंबर वन एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन। तो P0 या P1 में से कोई भी एक प्रोसेस एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन में, इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस भी गारंटी है। प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि जिस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना वो दूसरे को नहीं रोकेगा, तो जिसको क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है वही तो इंटरेस्ट को अपने ट्रू करेगा सेट, और इंटरेस्ट ट्रू होगा तभी क्रिटिकल सेक्शन की बात कही जाएगी। तो यहाँ पे प्रोग्रेस गारंटीड है क्योंकि जिसको क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है वही अपने इंटरेस्ट वेरिएबल को ट्रू सेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे बाउंडेड वेट गारंटीड नहीं है, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ आपको फाइंड आउट करना कि बाउंडेड वेट क्यों नहीं गारंटीड है। क्या हमने ऑल्टरेशन ऑल्टरेशन यूज किया है? नहीं, हमने ऑल्टरेशन यूज नहीं किया है। तो अगर ऑल्टरेशन यूज नहीं किया इसका मतलब भी बाउंडेड वेट गारंटीड नहीं होगा। फिलहाल अपने से भी सोचिएगा कि क्यों नहीं है बाउंडेड वेट। तो दो प्रॉपर्टी ऊपर के सेटिस्फाइड, बाउंडेड वेट नहीं सेटिस्फाइड, और ऑब्वियसली बात है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है तो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होगा। ठीक है, सिंस दिस इज दी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होगा। ठीक है, लंच के बाद वाली जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यूज एंड सॉरी टर्न और लॉक दोनों को साइमल्टेनियस कैसे यूज किया जाए। ठीक है, टर्न एंड लॉक को साइमल्टेनियस कैसे यूज किया जाए, एंड दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, जिसको हम कहेंगे पीटरसन सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको जो बने यहाँ से वो पीटरसन सॉल्यूशन से ही रहा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर।